यही उनसे बोलने आए हैं कि आप प्लीज़ हमारा इशू आगे लेके जाएं और इस एपटेक कंपनी को बैन कराएं। हम इस कंपनी से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाना चाहते हैं। हमारा इशू ये नहीं है कि हम एग्ज़ाम देना नहीं चाहते, हम एग्ज़ाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, बट सिर्फ हम एपटेक पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। कैसे कर सकते हैं? उसने अपने पेपर लीक किए हैं, उसके सर्वर वो हुए हैं, तो हम कैसे उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? देखिए, रैना साहब ने पिछले दिनों विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का क्लेम करते हैं, इन्होंने पिछले दिनों एक हमारे प्रोटेस्ट के चलते एक ट्वीट किया था कि एपटेक की सीबीआई जांच हो और जो भी कल्पित हो उनको सीबीआई जांच के बाद जेल में डाला जाए। लेकिन ना जाने किस प्रेशर के अंडर इनको 30 मिनट के अंदर अंदर उस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। आज हम उसी चीज़ का जवाब लेने इनके पास पहुँचे हैं कि आखिर किसके प्रेशर में आकर आपने इस ट्वीट को डिलीट किया है। जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन श्रीमान राजेश शर्मा साहब से भी बात की है। मुझे जो हमारे नौजवानों की चिंता है, उनका जो कंसर्न है, मैं उसको भलीभांति समझता हूँ। आज खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कहा है कि चूंकि बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स के लिए एडमिट कार्ड बच्चों को सौंप दिए गए हैं, अगले 10 बार इस प्रक्रिया को रोका गया तो ये 3-4 महीने के लिए रिक्रूटमेंट कहीं रुक ना जाए, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बोला है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे बेटे बेटियां हैं, उनकी बात भी सुननी चाहिए और उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि कहीं भी किसी प्रकार से इस मामले में कोई चोर बाजारी भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपको याद होगा, उन्होंने जब सब इंस्पेक्टर की भर्ती में भी गड़बड़ हुई और रिजल्ट्स के बाद जब सारी चीज आई, सारा मामला सीबीआई के हवाले किया गया और 20 से ऊपर लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। किसी जरूर किया है, लेकिन किसी भ्रष्टाचारी को, किसी बेईमान को, चोर को, डाकू को, किसी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शा जाएगा। जो भ्रष्टाचार करेगा जेल की सजा के पीछे बंद किया जाएगा, चाहे एपटेक कंपनी क्यों ना हो। एपटेक कंपनी से क्यों